हमारे देश के असंख्य महापुरुषों क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान के बाद 15 अगस्त देश स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमें यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता की बलिदानी पर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को हम दिल से नमन करते हैं। इस स्वतंत्र सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को बताने में उचित समय पर हूँ। सरकार का विकास इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए हैं उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। लेकिन इस वर्ष दरभंगा जिले के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ दूर प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया एवं संकट की घड़ी में प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई, इसका यहाँ उल्लेख करना उचित प्रतीत होता। इस वर्ष गर्मी के महीने में दरभंगा नगर सहित कई अंचलों में भूगर्भ जलस्तर के अत्यधिक नीचे चले जाने के चलते पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। जल संकट वाले क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा त्वरित तौर पर वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करके पानी की आपूर्ति की गई। नल जल योजना स्टेम पुष्ट लगा करके तत्कालीन तौर पर लोगों को पानी उपलब्ध कराया गया। वही बोली नहीं था वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराई गई। पुराने खराब चारों में सिलेंडर लगाकर उसका कन्वर्जन करा दिया गया जिससे लोगों को पानी मिलना सुगम हो गया। पुनः सोलह से जिला के कई अंचल पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो गया। जिला प्रशासन द्वारा इसे चुनौती के रूप में लेकर बाढ़ आपदा में फंसे लोगों के बीच बाढ़ एवं बचाव का जोर शोर से चलाया गया। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से रेस्क्यू कराकर के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित गांव खोले में फंसे लोगों को सामुदायिक स्कूल चला करके खाना खिलाने का खास रूप से चलाया गया। दूसरे किसी प्रकार की सलाह का नहीं हुआ। आयात निर्माण परिवहन बिक्री भंडार एवं सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें आम लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 1915 के लागू होने के बाद जिला के कुल 4 लोक शिकायत निवारण कार्यालय में कुल 25,197 परिवार पत्र दायर हुए, जिसमें 23,580 परिवारों का निवारण किया जा चुका है। शेष 1617 परिवारों की सुनवाई चल रही है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी होने के बाद परिवार वालों के समस्याओं का समाधान तय समय पर होता है। उन्हें जहाँ तहाँ भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। इस अधिनियम के बारे आम जनों को जागरूक करने हेतु जन समाधान रथ के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया है, जिसके फलस्वरूप परिणाम देखने को मिल रहा है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम इस प्रकार के तहत इस वर्ष कुल 5,06,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें से 4,91,705 मामले का निष्पादन किया गया है। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से अब तक 59,27,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 59,11,000 आवेदन को निष्पादन हुआ, जो कुल 99% है। राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना अंतर्गत
आपके कल युवाओं का बल आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार हर घर बिजली लगातार हर घर नल जल घर तक गली नालियां शौचालय एवं घर का सामान अवसर बढ़े आगे बढ़े इत्यादि महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। पूरे शहर को एक सामाजिक चुनौती मानते हुए ध्वजा स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण के कुल लक्ष्य 4,93,170 घरों को 100% आच्छादित किया गया है। छूटे हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों को जीरो टैगिंग कराकर लाभुक परिवारों को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान कैंप लगाने किया जा रहा है। अब तक 2,99,369 शौचालय को जीरो टैगिंग पूरा हो गया है और 2,86,276 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से करा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना SECC विश्वविद्यालय के आधार पर संरक्षित आवास विहीन परिवारों का भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन के उपरांत योग्य परिवारों को पहचान के आधार पर योग्य परिवारों की सूची पंचायतवार तैयार की गई है। 64 लाख लीटर से अधिक जल संचय क्षमता विकसित किया गया है। वही ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों एवं जल स्रोतों के किनारे तथा अन्य भूमि पर 1,30,000 पौधारोपण कार्य योजना बनाई गई है। द्वितीय वर्ष 18 वर्ष से योजना के अंतर्गत कुल 2,678 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ है। इसमें 99.4046 परिवारों को रोजगार दिया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 58.50% है। इस योजना के तहत 11,70 लाख रुपये का व्यय हुआ है, जिसमें से 49.78.20 लाख रुपये की मजदूरी का भुगतान है। मनरेगा की सरकार से 40 लाख रुपये हो गई है।